क्या नाम है आपका? मेरे नाम बताओ। वैभव नाम बताओ। वैभव। वैभव क्या नाम है आपका? वैभव आपका नाम क्या है? सर अभी 3 महीने हाँ क्या नाम है? जोर से बोलो। कल्पना करिए जो बच्चे पैदा होने के बाद किन्हीं कारणों से सुन नहीं पाते हैं, उन बच्चों के माँ बाप के दिलों पर क्या बीतती होगी। जब सुनाई नहीं पड़ता है तो समझ भी पैदा नहीं हो पाती है। शुक्र है मेडिकल साइंस कॉकलियर मशीन के रूप में एक वरदान ईजाद कर चुका है। ये मशीन निश्चित तौर पर महंगी है, पर लायंस क्लब ऑफ कानपुर गंजेस इसे ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। इसके लिए बाकायदा कैंप लगाए जाते हैं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद से इस मशीन को इम्प्लांट किया जाता है। पहले जानते हैं कि क्यों होती है ना सुनाई पड़ने की समस्या, फिर बताते हैं मशीन के बारे में। पैदा होते ही कई बार किसी वजह से, कभी कभी जेनेटिक की वजह से, कभी कभी जो है आते ही उनको टाइफाइड या मलेरिया या कोई भी बीमारी किसी टाइप की हो जाती है, तो स्नोफीलिया वगैरह हो गया, तो उससे उनकी हेयरिंग लॉस हो जाती है। हेयरिंग लॉस हो जाने से वो बच्चे जो है जन्म से ही जो है मूर्ख और बधिर, डीफ एंड डम्ब जो है कहलाने लगते हैं, और उसका अभी तक कोई इलाज नहीं था। मगर जो है सन 2016-17 में जब हम लोग जो है ने इसको इनिशिएटिव लिया और सरकार ने इसके ऊपर जो है कि ध्यान दिया, तो उसके बाद जो है कोक्लियर मशीन, कोक्लियर इम्प्लांट, कोक्लियर जो है एक चिप होती है जो अभी आपको दिखाई जाएगी, वो चिप जो है कि नहीं कान के पिछले हिस्से में जो है कि नहीं वो इम्प्लांट कर दी जाती है। वो चिप जो है जैसे कान की मशीन होती है, कान की मशीन के साथ जो एंटीना होता है उसी तरह का एंटीना इसके साथ भी लगाया जाता है, जो कि वेव्स जो है कि नहीं इनको कैच करता है। आप हम जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो लोग वो चीज जो है वो शब्द नहीं है, वो एक वेव्स है जो आपके कान के पर्दे के साथ टकराती है और वो शब्दों का रूप दे करके आपके मस्तिष्क से आपके हृदय में पहुंचती है, जिससे आप ये समझते हैं कि हमको सुनने लगा है। और जब सुनने लगता है जिस बच्चे को वही बोलने लगता है, जिस बच्चे को सुनने लगता है वही बोलने लगता है, मगर वो समझता नहीं है। बच्चे को समझाया जाता है, जैसे जो है बच्चा पैदा होता है उसको कहा जाता है कि ये तुम्हारे पापा है, कहो पापा, तो कहता पापा, मामा मामा, तो इसको कहते हैं स्पीच थेरेपी। और जब कॉग्निटिव इम्प्लांट लगा दिया जाता है, कुछ बच्चे जीनियस होते हैं, जल्दी सीख जाते हैं, वो 20-25 दिन में ही जो है कि नहीं सब एडॉप्ट कर लेते हैं, वह ग्रैस्प कर लेते हैं, जान जाते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। और कुछ बच्चे जो है उनको स्पीच थेरेपी 6 महीने तक देनी पड़ती है और उसके बाद वो नॉर्मल बच्चों की तरह जो है वो बिहेव करने लगते हैं। इसके विषय में जो है आज कई डॉक्टरों को भी नहीं मालूम है कि ऐसा हो सकता है। और पहली बार जब हम लोग जो है मतलब मैं और लैंड हमारे पीडीजी लैंड श्रीमान पूछा थे, हम लोग जो है जब कॉग्निटिव पार्ट के लिए नहीं कानों की मशीन के लिए एलिम्को गए थे, और एलिम्को के चेयरमैन डीएस सरीन साहब से मिले थे, तो उन्होंने ये कहा था कि आप मशीन लेंगे तो मशीन जो है वो 3-4 महीने बाद जो है जो पंखे की आवाज होती है वो भी आपके कान हैमरिंग करती है दिमाग के अंदर, तो लोगों को ऑकवर्ड लगता है। और ये कोक्लियर वाला काम जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। कोक्लियर वाले काम से जो है कि वो चीजें जो है जैसे नॉर्मल काम होता है उस तरह से बच्चा या बड़ा बोलने लगता है। पहले तो 5 साल तक के बच्चे के ही कोक्लियर इम्प्लांट लगता था, बिकॉज की उसकी नर्व्स जो है उसकी मेंस जो है बहुत लचीली होती थी, मुलायम होती थी, तो मुलायम मेंस जो है कि वो जल्दी जो है कि ग्रैप कर लेती थी, उसको एडजस्ट कर लेती थी। अब जो है कि मतलब साइंस जो है और डेवलप कर चुकी है, अब बड़ों को भी जो है। एनी क्वेश्चन?
सर देखा जाता है कि कुछ बच्चे तो मतलब एक साल से पहले ही बोलने लगते हैं, कुछ बच्चे डेढ़ दो साल में मतलब फिर भी मतलब नॉर्मल ही रहते हैं, तो देर में कैसे बोलते हैं वो पहले? जब बच्चे को जो है जब वो बच्चे को पाँच साल से पहले जो है पाँच साल तक जो है कि नहीं मीन्स जो है कि नहीं वो जो है बहुत लचीली होती है, स्लैम होती है, वो हर चीज को जो है कि नहीं मतलब एडजस्ट कर लेती है। आप देखते होंगे कुछ लोग जो है टेढ़े चलते हैं, वो टेढ़े जब बचपन से टेढ़े चलते हैं तो बाद में भी वो टेढ़े ही चलते हैं, क्योंकि वो रिजिड हो जाता है ना उसका जो है कि नहीं जो अंग जो होते हैं रिजिड हो जाते हैं। एक साल से पांच साल भी अगर मालूम पड़ जाए बच्चा हमारा बोल नहीं पा रहा सुन नहीं पा रहा, तो अगर हम चेकअप करवा करके अगर ये प्लांट दिखा देते हैं तो बच्चे अपने आप ही बोलने लगते हैं। निःशुल्क यहाँ पर थेरेपी होती है, निःशुल्क ऑपरेशन है और निःशुल्क ये उनके इम्प्लांट लगाया जाता है। पहले कीमत जो हमने सुन किया था 7.5 लाख, आज इस समय 6.5 लाख जो हमको भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने मिलती है। जो हमने ये कब सारा राष्ट्रीय मांगा राष्ट्रीय कई राष्ट्रीय पूरी बात होती है, उसमें हम लोग इम्प्लांट बहुत कम देते थे, महीने में दो चार राष्ट्रीय कहा उन्होंने बॉम्बे हेडक्वार्टर में क्या कर दी और आज हम लोगों ने 1200 क्रॉस कर चुके हैं और इसमें बिल्कुल श्याम हम लोगों ने अक्सर प्रयास करके डॉक्टर ने ये ड्रोन साहब की पॉपुलेट है, पॉपुलेट का जो है कि पैकिंग है और इसके अंदर जो है ये जो है कि नहीं हिस्सा जो है कान के पीछे पर्दे के पीछे जो है वो जो है लगा दिया जाता है, ड्रोन कर दिया जाता है हिस्सा में और उसके बाद एंटीना जो है आप देख रहे हैं जैसे बच्चों के साथ में जो है ये लगा हुआ है ना एंटीना लगा हुआ है, इससे जो है कि वेव जो है कि नहीं वो जो आती हैं उन वेव्स के सहारे जो है बच्चे ध्वनि जो है कि नहीं कानों के पर्दे के साथ टकराती है तो बच्चा जो है बोलने लगता है। जब बच्चा बोलता है तो उसके बाद बच्चा जब सुनता है तो बोलने लगता है, क्यों जब सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, उसको मालूम ही नहीं है कि मैंने क्या बोलना है, जब उसको मालूम ही नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं तो वो बोलेगा कैसे। इसलिए पहले जो है कि जब ये लगाया जाता है और उसके बाद उसके लिए निश्चित रूप से चार चीजें होती हैं, सबसे पहले बच्चे का आधार पिता का माता पिता का आधार कार्ड, उसके बाद जो है बच्चे की 100% जो है कि हियरिंग लॉस, तीसरा उसका जो है निवासी उसका भारत का होना आवश्यक है, चौथा उसके माता पिता की डिपेंडेंट जिनका है उसके आय जो है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। और लोग इसके विषय में नहीं जानते थे, हमारे क्लब ने इस कार्यक्रम का बहुत प्रचार प्रसार किया और जनता को इससे अवगत कराया। उसके बाद हम लोगों के पास रेगुलर मरीज आते रहे और ये एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसके बाद 6 महीने की स्पीच थेरेपी भी करानी पड़ती है और मरीज को रेगुलर हॉस्पिटल विजिट करनी पड़ती है। ये सब काम हमारे यहाँ डॉक्टर रोहित मल्होत्रा बहुत ही ध्यान से कर रहे हैं। इस टीम में हमारे साथ टीकम चंद जी सेठिया और उस समय के हमारे क्लब के प्रेसिडेंट लायंस सुभाष खन्ना जी शुरू से जुड़े हुए हैं और हमारे क्लब के सभी सदस्य इस कार्यक्रम के प्रति